देखो आज इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर टू पॉलिनोम का सा चैप्टर है। यही करें ना हमें चैप्टर टू आज। यस सर। जी बेटे छोटा सा है, उम्मीद है कि अभी खत्म हो जाए। चलो देख, सबसे पहली जो चीज यहाँ पे है वो है जीरो ऑफ ए पॉलीनोम। थोड़ा थोड़ा सा तो सबको आइडिया है ना पॉलिनोमियल का। जी यस सर। चलो नहीं भी है तो डिस्कस कर ले। ये बच्चे पॉलिनोमियल है, या चलिए मैं बता ही दे रहा हूं। हमारे पास होता है एक तो ये पॉलिनोमियल है जिसे आप जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसमें वेरिएबल की डिग्री जीरो होती है। यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो अगर वेरिएबल नहीं है तो आप ये मान लीजिए कि उसकी पावर कितनी है, जीरो। एक हमारे पास होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें जो डिग्री है वो आपके पास कितनी होती है, वन। एक आपके पास होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री टू होती है। एक होता है आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक आपके पास होता है बाइक्वाड्रेटिक। बस इतना ही डिस्कस करेंगे। तो ये सब पॉलिनोमियल किसकी वजह से हैं, सिर्फ पावर की वजह से। पावर जीरो, पावर वन, पावर टू, पावर थ्री, पावर फोर। तो इसमें ये इनके नाम। अब इसमें एक टर्म आता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोम। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है पी एक्स थ्री एक्स प्लस टू। नाइन्थ में आपने सीखा था कि सर आप जो है ना पी जीरो निकालो, पी वन निकालो। तो हम क्या करते थे, एक्स की जगह जीरो रख देते थे, एक्स की जगह वन रख देते थे। तो जीरो निकालना है तो थ्री इंटू जीरो प्लस टू, तो टू आ जाएगा। वन रखेंगे तो थ्री इंटू वन प्लस टू फाइव आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएंगी जीरो ऑफ ए पॉलिनोम, सॉरी वैल्यूज। लेकिन अगर इसी में मैं आपसे कहूं कि नहीं आप जो है एक वैल्यू निकालिए पी माइनस टू बाई थ्री, एक्स की जगह माइनस टू बाई थ्री रख, तो इसकी वैल्यू आएगी थ्री इंटू माइनस टू बाई थ्री प्लस टू।
होगा क्या, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा भाई? हाँ जी सर, क्या हो गया? जीरो, जीरो हो गया। तो एक्चुअली एक्स की जो हमने वैल्यू रखी है, जिसके रखने से पॉलिनोमियल जीरो आया है, इस वैल्यू को जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं। तो माइनस टू बाई थ्री इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी एक्स, तो जिसके भी रखने से जीरो हो, इसे हम कहते हैं। तो आपके पास जो है सबसे पहले यही लिखा हुआ है, पहली एक्सरसाइज जो 2.1 है, हमारे पास क्या देगा, हमारे पास देगा मान लीजिए ये मैं आपसे कहूं कि एक पॉलिनोमियल है आपके पास x प्लस टू, अगर इसको हम लीनियर तो उस पे ग्राफ के ऊपर प्लेस करें, यहां पी एक्स को हम लिख दें y, तो y इज इक्वल टू x प्लस टू। तो अब अगर इसका ग्राफ बनाएंगे x को अगर आप जीरो लोगे तो y आएगा टू, x को अगर आप वन लेंगे तो y आएगा थ्री, x को आप टू लेंगे तो y आएगा फोर, x को अगर आप माइनस टू लेंगे तो y आएगा जीरो। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ध्यान से देख लीजिए, ये लीनियर है तो एक लाइन बनेगी। आपको ग्राफ दिया होगा और ये ग्राफ जो है किसका है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का, आपसे कहेगा इसका जीरो बताओ, वेयर इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हम कहते हैं जीरो उसे कहते हैं जहां पे हमारा पी एक्स जीरो हो जाए, पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। पॉलिनोमियल का फिलहाल हमने नाम लिखा हुआ वाई जीरो हो जाए, और आपको मालूम होना चाहिए ऑन द ग्राफ y जीरो होता है ऑन x एक्सिस ओनली, और कहीं नहीं हो सकता। तो ये जो आपके पास ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये x एक्सिस पे कहाँ है? तो ये x एक्सिस पे सर यहाँ है, यहाँ है एक्स एक्सिस। तो अगर आप देखोगे ये वाला जो पॉइंट होगा इस पे वाई हमेशा जीरो, एक्स तो यहाँ माइनस टू है, वाई यहाँ जीरो। तो इसी तरीके से अगर एक ग्राफ ऐसे दिया जाए आपको, ये तो लीनियर का था, अगर आपको एक ग्राफ ऐसे दिया जाए क्वाड्रेटिक का, वो कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, और आपसे कहा जाए इसका जीरो बताओ, तो अगेन ये देखिए कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे कहाँ है, क्योंकि वाई जीरो वही होना है। तो यहाँ पे तो कहने का मतलब है अगर ग्राफ दिया जाए और उसके जीरोज मालूम किए जाएं, तो सिर्फ आप ये देख लीजिए कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा, अगर कट कर रहा है तो जीरोज है, कट नहीं कर रहा है तो जीरोज नहीं है पहली चीज, और कितनी जगह कट कर रहा है दूसरी चीज। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा एक जगह कट करेगा, उसके जीरो एक होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो जगह कट करेगा, उसके जीरो दो होंगे। क्यूबिक होगा तो थ्री होंगे, बाय क्वाड्रेटिक होगा तो फोर होंगे, इस तरह से हमें मालूम है। तो पहला जो आपके पास है वो सिर्फ यही है, जैसा आपके पास ये दिया हुआ है चैप्टर के अंदर, दो क्वेश्चन टोटली इसी पे हैं, और हो सकता है एमसीक्यूज में आपके पास आ भी जाए। आपके पास जो एग्जाम्पल वन है वो इसी पे बेस्ड है,
ये देखिए, आपसे कह रहा है लुक एट दिस ग्राफ एंड ईच इज द ग्राफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स. उसने खुद मेंशन कर दिया वाई को पी एक्स मान रखा है. वेयर पी एक्स इज अ पॉलीनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पी एक्स. तो ये वाला ग्राफ आपकी एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे काट रहा है? एक, वन. तो इसके जीरोस वन होंगे. ये ग्राफ आपके एक्स एक्सिस को टू पे काट रहा है. मैंने अभी कहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि वाई यहाँ जीरो है और वाई जीरो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे होता है. तो इसके जीरोस टू होंगे, इसके जीरोस थ्री होंगे, यहाँ पे जीरोस ध्यान देख लीजिए वन होंगे. ये वाई एक्सिस को काट रहा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं. यहाँ हमारे पास ये जीरोज एक ही है, रिपीटेड कहलाते हैं. अगर इस तरह से हमारे पास हो रहा हो तो वन ही कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास वन टू थ्री एंड फोर, तो फोर जीरो. सबको समझ में आ गया? यस सर. तीन पार्ट है इसके, इस चैप्टर के तीन ही पार्ट हैं. अगर आप मानिए पहला पार्ट यही है, हाउ मेनी इज, क्योंकि एक एक्सरसाइज पूरी इसी के नाम पे की गई है, तो हम भी इसको स्किप नहीं कर सकते हैं. है तो सिंपल सा, जितने भी जगह आपको कट कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसी पे. दूसरे वाले में हमारे पास जीरोज निकालने, वेरीफाई करने, और तीसरे वाले में पॉलिनोमियल फॉर्म करना है. बस इतना सा ही आपका चैप्टर है. ये आपके पास क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज 2.1, हाउ मेनी जीरोज. क्योंकि यहाँ पे जो आपका ग्राफ है, यहाँ पे जो आपका ग्राफ है वो कट नहीं कर रहा है कहीं पे भी एक्स एक्सिस को. एक्स एक्सिस आपकी यहाँ है, तो इंटरसेक्शन नहीं हो रहा. अगर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तो नो जीरोज. यहाँ पे हमारे पास ये एक जीरो, यहाँ पे हमारे पास वन टू थ्री जीरोज, यहाँ हमारे पास टू जीरोज, यहाँ हमारे पास वन टू थ्री एंड फोर जीरोस, एंड यहाँ पे वन एंड टू एंड थ्री जीरोस. तो ये पास, तो पहला तो आपके पास ये था. दूसरा हमारे पास होता क्या है वो समझ लीजिए, उससे पूरा चैप्टर क्लियर होगा. थोड़ा सा आप जाग जाइए सब बच्चे ध्यान से. देखो होता क्या है, प्लीज इधर, ये तो अभी हमने देख लिया कितने जीरोज होते हैं. ये हमारे पास है जीरो पॉलिनोमियल, ये हमारे पास है बच्चे लीनियर पॉलिनोमियल, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल. एंड ये हमारे पास है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये बस होता क्या है बेटे, जो ये तो आपके पास पॉलिनोमियल है, जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज, यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, यहाँ पे वन जीरोज हैं, यहाँ पे टू जीरोज हैं, यहाँ पे थ्री जीरोज हैं, यहाँ पे फोर जीरोज. ठीक है, इन जीरोज के भी नाम लिख लेते. क्या नाम लिख लेते हैं? इसका तो कोई जीरो है ही नहीं. यहाँ इसको जीरो को कहेंगे अल्फा, यहाँ पे जीरोज को कहेंगे अल्फा बीटा, यहाँ पे जीरोज को कहेंगे अल्फा बीटा गामा, यहाँ जीरोज को कहेंगे अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा. तो हमने क्या किया है, जो हमारे जीरोज हैं उनके नाम लिख लिए. अब होता क्या है, ये जो आपके पास, ये जो आपके पास इन पॉलिनोमियल्स में कॉन्स्टेंट्स हैं, देखो एक्स तो वेरिएबल होता है, कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास ए बी सी, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स, और ये हमारे पास डी, और ये हमारे पास ई. तो ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ए बी सी डी ई, इनमें, और ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं इनमें रिलेशन होता है डायरेक्ट.
ए बी सी डी ई और अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इनमें एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है वो समझ लीजिए। वन बाय वन मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। असल में आप ये देख लिए सब बच्चे, चलो पहले एक लिख लेते हैं फिर उससे चारों लिखेंगे। होता क्या है, हमें क्या लेना है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए सब बच्चे, हमें क्या लेना है, हमें लेना है सम ऑफ जीरोज टेकन वन एट ए टाइम। सम ऑफ जीरोज का क्या मतलब है, सम ऑफ जीरोज का मतलब ये है कि जैसा हमारे पास यहाँ पे तो सिर्फ एक ही जीरो है तो उसका सम सिर्फ हम अल्फा ही ले सकते हैं, यहाँ पे टू है जीरोज तो उनको हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे थ्री जीरोज हैं तो हम उनको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख सकते हैं, यहाँ पे फोर जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा लिख सकते हैं। तो हमें क्या लेना है, सम ऑफ जीरोज टेकन वन एट ए टाइम। इसी तरह से हमें क्या लेना है, सम ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, सम ऑफ जीरोज टेकन थ्री एट ए टाइम, एंड क्योंकि हम बाई क्वाड्रेटिक ले रहे हैं तो चार को भी ले, सम ऑफ जीरोज टेकन फोर एट ए टाइम, किस तरह से लेंगे वो भी देखेंगे और उसकी वैल्यूज क्या होती है। तो अगर आप वन को ले रहे हो, सम ऑफ इंडिविजुअल्स ले रहे हो, प्लीज इधर देख लीजिए पीछे, तो सम ऑफ इंडिविजुअल्स हमेशा बी अपॉन ए होगा, चाहे किसी भी पॉलिनोमियल का हो, बी अपॉन ए। तो आप यहाँ भी लिख सकते हो बच्चे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ भी बी अपॉन ए लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा भी बी अपॉन ए लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी बी अपॉन ए लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा भी बी अपॉन ए लिख सकते हो। तो सबका जो सम होगा इंडिविजुअल्स का वो हमेशा बी अपॉन ए होगा, बस इतना ध्यान रखना है कि माइनस से स्टार्ट, माइनस बी अपॉन ये बस। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, तो टू एट ए टाइम का क्या मतलब है वो देख लीजिए, अल्फा तो खत्म हो गया, उसमें तो एक ही जीरो था तो उसमें तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, टू ये तो यहीं फिनिश हो गया। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी बाई ए, अब हम ले सकते हैं दो को, तो अल्फा बीटा ले सकते हैं, और अगर यहाँ हम अल्फा बीटा गामा की बात करें तो यहाँ ले सकते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा की बात करें तो अल्फा बीटा, फोर वाले की जरूरत नहीं है लेकिन समझाने के लिए, अल्फा को बीटा के साथ लीजिए, अल्फा को गामा के साथ लीजिए, अल्फा को डेल्टा के साथ लीजिए, तो अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, फिर आप क्या करिए, अल्फा हो गया सबके साथ, बीटा को लीजिए बीटा गामा बीटा डेल्टा, फिर आप बीटा भी सबके साथ हो गया, फिर आप गामा को लीजिए गामा डेल्टा। तो अगर आप टू का सम ले रहे हैं, अभी हमने लिया था वन का सम, अब हम ले रहे हैं टू का सम, तो सब इधर ध्यान से देख लीजिए, वन के सम में हमारे पास था बी अपॉन ए बच्चे, तो टू के सम में हमेशा हमारे पास आएगा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी अपॉन, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा इज ऑल्सो सी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा भी सी अपॉन ए, और ये भी सी अपॉन। पहला हमारे पास आया था माइनस, अब हमारे पास आएगा प्लस, तो ये मसला। अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ टू जीरोस थे तो ये भी अल्फा बीटा हो गया, थ्री जीरोस वाला अगर हम सम ऑफ जीरोस टेकन थ्री एट ए टाइम लेंगे, मैं इसको इंडिविजुअल भी बताऊंगा, ये अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा में, तो तीनों आ जाएंगे अल्फा बीटा गामा, और अगर इसमें फोर वाले में लेंगे तो देखिए क्या क्या होगा, अल्फा बीटा गामा होगा, अल्फा बीटा डेल्टा होगा, अल्फा गामा डेल्टा होगा और बीटा गामा डेल्टा होगा, तीन का सम, सम ऑफ जीरोस टेकन थ्री एट ए टाइम। तो अगर तीन वाले में लेंगे तो अल्फा बीटा गामा आएगा, फोर वाले में लेंगे तो इतने जीरो। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या था, अगर ये सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा है, वन के लिए आया बी अपॉन ए, टू के लिए आया सी अपॉन ए, तो थ्री के लिए क्या आएगा भाई, डी अपॉन ए, डी अपॉन ए, अगर फोर आएगा तो फोर के लिए सीधा सीधा ई अपॉन ए, बस ये सीक्वेंस है बच्चे ये समझाना था। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास डी अपॉन ए,
ये भी डी अपॉन ए। और अगर साइन को आप समझ रहे हैं, पहला वाला माइनस, दूसरा प्लस, तो तीसरा माइनस होगा। और अगर हमारे पास फोर जीरोज हैं, तो फोर जीरोज हमारे पास होगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो वो हो जाएगा ई अपॉन ए, और ये माइनस था तो ये प्लस है। तो ये हमारे पास है, इसको दोबारा से आप देख लीजिए, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास होगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जीरोज होते हैं दो, अल्फा और बीटा। एक बार आप लेंगे उनका इंडिविजुअल अल्फा प्लस बीटा, एक बार लेंगे दोनों को एक साथ प्रोडक्ट। तो मैं कह रहा हूँ टेकन वन एट ए टाइम, टेकन टू एट ए टाइम। वन लेंगे तो आएगा बी अपॉन ए, टू लेंगे तो आएगा सी अपॉन ए। पहला वाला आएगा माइनस, दूसरा वाला आएगा प्लस। हाँ जी, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, एक एक और देख लो जस्ट समझने के लिए, और फिर क्वेश्चंस करते हैं दूसरी एक्सरसाइज। ये हमारे पास बच्चे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मेन तो आपके यहाँ दो ही हैं, क्वाड्रेटिक एंड क्यूब, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये हमारे पास। तो आपके पास तीन जीरोज हैं, तीन जीरोज कौन से हैं सर, अल्फा बीटा गामा। तो एक बार आप इन तीनों का सम लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बताओ जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लोगे तो क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए। वन का सम जब भी आप लोगे, वन का सम आप लोगे तो बी आना है, टू का लोगे तो सी आना है, थ्री का लोगे तो डी आना है, अपॉन में हमेशा ए ही आना, ये ध्यान रहे। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बी अपॉन ए, और स्टार्ट होगा माइनस। फिर दो को आप लोगे अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, तो दो में लेंगे आप सी अपॉन ए। पहला वाला माइनस आ गया तो दूसरा प्लस आ गया। फिर तीनों को लेंगे आप तो वो सीधा सीधा अल्फा बीटा गामा आ जाए। तो बी आया, सी आया, कौन आएगा, डी आएगा। पहला माइनस आया, फिर प्लस आया, कौन आएगा, माइनस आएगा। तो ये इतना सा है, अगर आप याद रखना चाहो बस इसे लिख लो एक बार, थोड़ा पेन चला लो, नींद भागे थोड़ी सी, फिर इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज सिर्फ इसी पे बेस है, क्वाड्रेटिक वाले। सेकेंड जो आपकी एक्सरसाइज है वो टोटली क्वाड्रेटिक वाले पे बेस्ड। सर जी, सर हमें एक डाउट था चैप्टर नाइन से। कौन से चैप्टर में? सर चैप्टर नाइन बोलो। नाइन डाउट बोलो, कौन सा सर? पिक भेजना को एनसीईआरटी का है, एक्स्ट्रा है सर, एक्स्ट्रा है, व्हाट्सएप करिए अभी।
हो गया सर ये? यस सर। जी मैडम, कौन सा वाला क्वेश्चन बताना? सर ऊपर वाला। देखो भाई, क्वेश्चन ये है हमारे पास, इस क्वेश्चन में होता क्या है असल में, जो हम एंगल यूज करते हैं ना, वो ऑलरेडी उसने दिया है, और एंगल नहीं दिया, उसकी वैल्यू दी, बस और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके पास, ए मैन ऑन टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व ए ट्रक एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा वेयर टेन अल्फा इज 1/√5। ठीक है, ये जो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, ये 1/√5 दिया हुआ। ये है हमारे पास 1/√5। तो आपसे क्या कह रहा है, ये हमारे पास हो गया मैन ऑन द टॉप ऑफ ए टावर, यहाँ टावर है और ये ट्रक है, ट्रक का एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है अल्फा, और आपसे कह रहा है जब इस अल्फा को आप लेंगे तो टेन अल्फा की वैल्यू 1/√5 रखें। सी दैट इट इज मूविंग टूवर्ड्स द बेस ऑफ द टावर, 10 मिनट्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ट्रक इज फाउंड टू बी बीटा। अब ये आपसे मूव कर रहा है टूवर्ड्स द टावर, और आफ्टर 10 मिनट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है बीटा, और ये गिवन है कि सर 10 बीटा विल बी √5।
If the truck is moving at a uniform speed, determine how much more time it will take to reach the base of the tower. यहाँ तक तो 10 मिनट ले ही चुका है वो, आगे कितना और टाइम लेगा ये आपसे पूछ रहा है. तो आगे का टाइम चाहिए, टोटल टाइम नहीं चाहिए. ये क्वेश्चन ना हमें हाइट मालूम है, ना हमें ये वाला एक्स मालूम है, ना हमें ये वाला वाई मालूम. पिक्चर क्लियर है सबको या नहीं? हाँ जी yes, वही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. बस वहां पे हमारे पास एंगल्स दिए हुए थे, उनकी हमने वैल्यू रखी थी, यहाँ उसने वैल्यू खुद दी है, आपको बस इतना यूज करें. तो अगेन अगर हम बात करें, बी सी डी की, तो बी सी डी ट्राइंगल में आपके पास हो जाएगा एच अपॉन एक्स और पेंडिकुलर अपॉन बेस. ये वाला एंगल हमारा बीटा है, तो टेन बीटा हो जाएगा, टेन बीटा हो जाएगा हमारे पास रूट फाइव. तो आपके पास हो गया एच इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट फाइव. ये हमारे पास दूसरा हमारे पास ट्राइंगल है ए सी डी, उसमें आपके पास होगा एच अपॉन एक्स प्लस वाई. वहां पे एंगल होगा टेन अल्फा, टेन अल्फा होगा वन बाय रूट फाइव. ये हो जाएगा एच रूट फाइव इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर. तो आपने क्या करना है, यहाँ जो एच है उस एच की जगह एक्स रूट फाइव रखना है. यहाँ पे तो लिख दीजिए, ये वन हो गया आपके पास. तो फ्रॉम वन एच को अगर आप एक्स रूट फाइव रखेंगे तो एक्स रूट फाइव इंटू रूट फाइव इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. तो ये हो जाएगा फाइव एक्स. जी सर ठीक है फिगर है जी. सर आपका फिगर बी सी डी में बीटा है बट वो ए सी डी में लग रहा है. बी सी डी में क्या है? बीटा है. वो ए सी डी में बीटा कैसे हो जाएगा? आपने ये बनाया है ए सी डी. कहाँ करूँ बताओ, बीटा को कहाँ लिखूँ? सर फिगर थोड़ा समझ नहीं आया. शुरू से क्वेश्चन के साथ थे आप या बाद में आए हो? सर शुरू से थे. नहीं आप थे तो, लेकिन यहाँ पे अटेंटिव भी थे. यस सर. क्योंकि हर लाइन के साथ सरसा फिगर चेंज हो रही है ना. अच्छा अल्फा एंगल कहाँ है, कौन सी? मैं तो कलर्स भी अलग अलग करता हूँ. अल्फा एंगल किसके लिए है, कौन सी लाइन के लिए? अल्फा एंगल एडी एसीडी. अगर अगर एडी के लिए अल्फा है तो उसका अल्फा कहाँ आएगा? यस सर. फिर बीटा कौन सी लाइन के लिए है? सर बीटा सर बी बी डी. तो उसका एंगल कहाँ आएगा, बीसीडी में आएगा एसीडी में आएगा? यस सर. क्या यस सर? सर बी सी डी. जी बताइए. कैसे समझ में आया? लाइंस पैरेलल होती हैं, जब पैरेलल होती है तभी तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो यहाँ ये बीटा है. यस सर. तो यहाँ ये बीटा है, तो फिर कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है? क्लियर? यस सर. हर लाइन के साथ बेटे बनाया है वहां कि हमारे पास जो एंगल है ये हमारे पास अल्फा है. ट्रक जब मूव कर रहा है शुरू में, तो अगर इसको अल्फा ले रहे हो तो ये अल्फा हो. उसके बाद वो जो है आपका ट्रक जो है वो यहां पहुंच गया, यहां आ गया. अब एंगल जो बनेगा वो ये बने. अब एंगल ये बने, तो अगर बीटा है बनेगा तो ये बीटा बने. यस सर. ओके ध्यान रख. खैर हमारे पास ये आ चुका है, तो रूट फाइव, रूट फाइव कितना हो गया? फाइव एक्स. फाइव एक्स माइनस एक्स
is equals to, तो 4x is equal to I, ये मेरे पास। हाँ जी, 4x is equal to क्या हो गया? Y हो गया, Y कौन सा है हमारा? y ये वाला है, तो x is equals to y by 4, तो time taken, आवाज आ रही है? Yes sir. Yes sir. तो time taken to cover y distance 10 minutes. तो टाइम टेकन टू कवर एक्स, लेकिन एक्स जो है वो वाई बाई फोर है, तो टेन बाई फोर हो गया। तो टेन बाई फोर का मतलब 2.5। तो ये क्वेश्चन होता है, इसमें होता क्या है, असल में एंगल्स के साथ वैल्यू जोड़ देता है। इसमें दो क्वेश्चन और बनते हैं, यहाँ तो 10 दिया हुआ, किसी में साइन दे देता है, तो उस तरह से क्वेश्चंस में आ गया जी। संज्ञा मित्रा, समझ में? जी जी आ गया। देखो हमारे पास क्या है, जो हमें एक्सरसाइज करनी है, इसमें दो तरह के क्वेश्चंस हैं बच्चे, बहुत ही सिंपल चैप्टर 2 के। मैं आपसे कह रहा हूँ 3 क्वेश्चन कुल हैं आपके चैप्टर, अगर आप समझ के करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। पहला क्वेश्चन वो ग्राफ बेस्ड था, दूसरा क्वेश्चन ये है आपके पास, ये दो क्वेश्चन कह लीजिए टाइप 2 में दो क्वेश्चन। जैसे एक्सरसाइज 2.2 आपसे कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, और ये स्पेशली क्वाड्रेटिक के लिए है, सिर्फ ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो इनमें हमें जीरोस निकालने हैं और फिर उनके रिलेशन वेरीफाई करनी। रिलेशन वेरीफाई का क्या मतलब है, ये जो आपके पास जीरोस हैं इसकी क्वाड्रेटिक की बात करें, ये वाले, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो जीरोस होते हैं अल्फा बीटा, तो ये जीरोस आप निकालो पहले, और फिर ये जो रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा सी बाई ए, ये आप वेरीफाई करो, इतना चाह रहा है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले फिर आगे बढ़ते, तो पहला काम ये, दूसरे में पॉलीनोमियल फॉर्म कराए। तो हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 2.2 पॉलीनोमियल इन पी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, दैट्स इट। आपसे कह रहा है फाइंड द जीरोस। अब जीरोस फाइंड करने का सीधा सीधा सा तरीका आप लोगों ने 9th में भी सीखा है, या सिंपल फैक्टराइजेशन चैप्टर 4 में भी काम आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यही एज इट इज। तो अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सीख लीजिए, जिसको कोई प्रॉब्लम हो। होता क्या है, जो भी यहाँ नंबर होगा एक्स स्क्वायर के साथ, 3 स्टेप्स हैं फैक्टराइज करने की, जो पहला नंबर है और जो लास्ट वाला नंबर है, सबसे पहले आप उनकी मल्टीप्लाई करें, क्या होता है अगर फैक्टराइजेशन करना मेन आपको अल्फा बीटा निकालने के, फैक्टराइजेशन अभी हम करेंगे कॉमन लेके भी करना होता है, फॉर्मूला अप्लाई करके भी करना होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी करना होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेन जो है मिडिल टर्म वाला, ये चैप्टर 4 में भी यही यूज होगा, तो आप क्या करो इनको मल्टीप्लाई करो बगैर किसी साइन के, साइन से मुझे मतलब नहीं कि प्लस है माइनस, तो 1 × 8 इज 8, पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप होता है इसके फैक्टर्स कर लीजिए, मतलब 8 को आप क्या लिख सकते हो, आप 8 को एक तो यही लिख सकते हो 8 × 1, एक आप लिख सकते हो 4 × 2,
ये हमारे पास होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आप ये देखिए दूसरा जो मेथड है, ये देखना है कि लास्ट वाला साइन प्लस में है या माइनस। अगर आपका लास्ट साइन प्लस है तो सम ऑफ फैक्टर्स करना है, और अगर लास्ट साइन आपका माइनस है तो डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स करना। और ये जो है मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। मिडिल टर्म हमारी कौन सी है, मिडिल टर्म हमारी ये है टू। तो इस केस में हमें डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स मस्ट बी इक्वल टू मिडिल टर्म। तो फैक्टर्स कौन से, ये है एट और वन, इसका डिफरेंस होगा सेवन, और इनका डिफरेंस होगा टू। तो हमारी मिडिल टर्म टू है, तो हमें यही वाले फैक्टर्स चाहिए। ये सबको आता है या नहीं आता है? ठीक है जी, तो ये हमें करना है बस बच्चे, ये समझाना। तो माशाल्लाह उम्मीद है तो लास्ट मोमेंट चल रहा तो आना चाहिए। तो आपको सिर्फ इतना सा करना था कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस टू एक्स माइनस एट, ओपन द ब्रैकेट, तो माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट, एक्स कॉमन, तो एक्स माइनस फोर, टू कॉमन, अगेन एक्स माइनस फोर, x माइनस फोर कॉमन, तो x प्लस टू। तो x माइनस फोर को जीरो रखते हैं एक बार तो फोर आ जाता है, x प्लस टू को जीरो रखते हैं तो माइनस टू आ जाता है। तो ये आपके दो जीरो आ गए, एक को आप अल्फा कह दीजिए, एक को आप बीटा। तो एक पार्ट तो आपके क्वेश्चन का यही है कि फाइंड द जीरो, और जब जीरोज आ जाएं तो वेरीफाई करें। वेरीफाई क्या करना है कि भाई हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, तो ये यहाँ पे वन है। जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, तो बी हमारा माइनस टू है। जो लास्ट में होता है वो सी होता है, सी हमारा माइनस एट। हमारे पास जो अल्फा है वो फोर है, बीटा जो है वो माइनस टू है। तो इनमें रिलेशन देख वेरीफाई करना। तो रिलेशन क्या है सर, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल होना चाहिए। अल्फा कितना है फोर, बीटा कितना है माइनस टू, बी कितना है माइनस टू, ए कितना है वन। देखो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है या नहीं है, फोर माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू, तो यस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये प्रूव हो गया। दूसरा आपको क्या करना है सर, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। अल्फा कितना है फोर, बीटा कितना है माइनस टू, सी कितना है माइनस एट, ए कितना है वन, तो माइनस एट इज इक्वल टू माइनस एट, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, आपका ये भी प्रूव हो गया। देखो किसी को अगर नहीं समझ में आया तो मालूम करो, ये क्लियर है? यस सर। कौन कौन जाग रहा है? जी सब सो रहे हैं जी? नो सर, जाग रहे। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, अगर इसमें से आपको कोई सा मालूम करना है तो पूछिए मुझसे, आप इससे पूछ बताओ उसमें से कौन सा पार्ट बताऊं। क्वेश्चन वन नंबर वन का विच पार्ट सर? फिफ्थ। ठीक है, ये दो छोटे पार्ट हैं फोर्थ एंड फिफ्थ। आपसे कह रहा है फोर्थ हमारे पास क्या है बच्चे, ये आपके पास फोर्थ, आप पहले बहुत सुकून से लिखो पॉलिनोमियल इन यू, दैट इज फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू। आपको जीरोज निकालने के लिए फैक्टराइज करना है, और ध्यान रखना फैक्टराइजेशन के लिए मैं हमेशा कहता हूँ
सबसे पहले ध्यान रखना है कुछ कॉमन तो नहीं है, दूसरा ध्यान रखना है कुछ फॉर्मूला तो नहीं है, लास्ट मेथड होता है कि भाई हमें उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, और उससे भी लास्ट होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, वो अब आपके यहाँ है ही नहीं। तो फिलहाल सबसे पहले आप इसमें देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन है, और कॉमन क्या है, फोर यू, फोर यू, फोर यू कॉमन लेंगे तो यू प्लस टू आ जाएगा, बस यही आपके जीरोज है, यानी कि फैक्टर्स आ गए। तो अब आप पहले फोर यू को जीरो रख दीजिए तो एक जीरो मिलेगा, यू प्लस टू को रख दीजिए तो दूसरा मिलेगा। तो इन शॉर्ट आप कर सकते हैं फोर यू इज इक्वल टू जीरो, तो यू इज इक्वल टू जीरो बाय फोर जीरो, यू प्लस टू को आप जीरो रख सकते हैं तो यू की वैल्यू मिलेगी माइनस टू। तो आपके पास अल्फा आ गया जीरो और बीटा आ गया माइनस टू। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए अच्छा ये है, या तो इसी को कर लीजिए या फेयर में कर लीजिए, कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है फोर यू स्क्वायर, फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू, लेकिन जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें सी नहीं है तो उसको लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा है। पी यू इज इक्वल्स टू फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू, तो जो नहीं होता उसको आप क्या लोगे, इसको क्या कंसीडर करो, जीरो लेंगे। तो अब आपके पास प्लीज ध्यान से देख लीजिए, आपके पास अल्फा आ गया, कितना है अल्फा, अल्फा है आपके पास जीरो, बीटा कितना है आपके पास माइनस टू, माइनस टू, ए कितना है आपके पास, ए इस पॉलिनोमियल में, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर एक्स के साथ होता है, बी कितना है यहाँ पे एट, और सी कितना है यहाँ पे जीरो, दैट्स इट। तो ये चीजें मालूम हुई, तो अभी यहाँ शो कर दीजिए। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा आया है जीरो, बीटा आया है माइनस टू, माइनस बी आया है एट, ए आया है फोर, तो माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस टू, यस और नो? हाँ भाई, एट बाई फोर हो गया माइनस टू, ये प्रूव हो गया, ये आपका वेरीफाई हो गया। दूसरा आपको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन सम ऑफ इंडिविजुअल एंड सम ऑफ टू, ये मैं लेना, अल्फा कितना है जीरो, बीटा कितना है माइनस टू, सी कितना है जीरो, ए कितना है फोर, तो जीरो इंटू माइनस टू क्या हो जाएगा, जीरो, 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 और जीरो बाय फोर भी क्या हो जाएगा, जीरो, तो आ गया प्रूफ। यस सर, ये आपके पास था, बताइए इसमें क्या करना है। नोट करना चाहे तो कर लें, फिर फिफ्थ वाला पार्ट कर। तो सी को वैसे वन नहीं पुट कर सकते हैं जी, तो सी को वन कंसीडर नहीं कर सकते थे, जो चीज है नहीं उसको वन कैसे मान सकती हैं आप, घर में आइसक्रीम है नहीं और आप कह लो नहीं वन आइसक्रीम है मेरे घर में, मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी, जो चीज नहीं है बेटे वो तो जीरो होगा ना। अच्छा, कर लिया भाई ये, देखो एक फिफ्थ वाला आप कह रहे थे उसे देख लो, आपके पास कोई कांस्टेंट होगा उसके साथ लेंगे ना वन को, तो वेरिएबल के साथ स्पेशल, हमारे पास ये वाला फिफ्थ पार्ट है, टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन पॉलिनोमियल इन टी, टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन, इसको अगर आपको फैक्टराइज करना है या तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हो, या फिर अगर ये सिंगल वेरिएबल, इसमें वेरिएबल दूसरा नहीं है, तो आप चाहें तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए,
कि भाई टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, तो टी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 15, क्योंकि एक ही वेरिएबल था, बाकी सबको राइट साइड ले जाके रख सकते हो, तो उससे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके दो जीरोस आ गए, एक प्लस में आ गया और एक माइनस में आ गया। तो अल्फा इज रूट 15 एंड बीटा इज माइनस रूट 15, ये हमारे पास। अब जैसे ये हमारे पास जीरोस आ गए, तो अब आप इसकी हमेशा माइनस में आएगा है जी, सर बीटा हमेशा माइनस में आएगा। क्यों, किसने कहा बीटा माइनस में आएगा? सब पूछ रहे हैं। नहीं बेटे, जरूरी नहीं है ना। यस सर, हमारे पास तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो दो जीरोस आए, एक प्लस रूट 15 है, एक माइनस रूट 15 है। यहाँ भी आपकी मर्जी है, आप नाम चेंज करना चाहो नाम चेंज कर लो, ठीक है। आप लिखना चाहो बीटा को प्लस 15 ले लो, अल्फा को माइनस ले लो। यस सर, दो जीरोस है, एक का नाम अल्फा रखना है, एक का नाम बीटा, तो ये कुछ नहीं है, ये प्लस माइनस तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब हमारे पास इसमें आपको वैल्यूज रखनी है, तो जैसे ये हमारे पास दिया हुआ पॉलिनोमियल इन टी, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 15, तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है और कॉन्स्टेंट वाली टर्म है। कौन सी वाली टर्म नहीं है? बी, बी एक्स वाली नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप लिखोगे तो आपको लिखना है टी स्क्वायर प्लस जीरो इंटू टी माइनस 15, ये लिखना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स नहीं है, एक्स का मतलब यहाँ टी, तो टी नहीं है, उसके साथ जीरो टी लिखा जाएगा। तो ए यहाँ पे हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 0, सी हो जाएगा माइनस 15। आ गया नहीं आया समझ में? सर जी हाँ जी, ठीक है। तो अगर आपके पास ये आ गया तो अल्फा बीटा आपको दिए हुए हैं, अल्फा आपको दिया रूट 15 और बीटा आपको दिया माइनस रूट 15, और आपके पास ए आ गया है 1, बी आ गया है 0 और सी आ गया है माइनस 15। तो अब इसमें आप वैल्यूज रखो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन माइनस बी बाय ए, तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है? रूट 15। बीटा कितना है? माइनस रूट 15, ठीक है। बी कितना है? जीरो। ए कितना है? 1। तो बताओ प्लस 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा? जीरो, और राइट साइड भी माइनस जीरो इज जीरो, तो ये प्रूव हो गया LHS equals to RHS। फिर दूसरा हमें लिखना है अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। अल्फा हमारे पास है रूट 15, बीटा हमारे पास है माइनस रूट 15, सी हमारे पास है माइनस 15, ए हमारे पास है 1, तो रूट 15 रूट 15 15 हो जाएगा, लेकिन माइनस में, तो LHS भी माइनस RHS भी माइनस, तो ये भी प्रूव हो जाएगा। आया कुछ समझ में? यस सर। हाँ जी, आपने बोला था कि वेरिएबल के साथ वन कंसीडर कर सकते हैं। संगे मित्रा जी, ऊपर चढ़ो उस पे बिल्डिंग पे और कूद जाओ, यहाँ पे कहीं वेरिएबल तो आपने टी लिया था, वेरिएबल यहाँ, सुनो ध्यान से, सुनना है या नहीं सुनना है? नहीं नहीं सर, सुनना है सुनना। अब बताओ यहाँ कहीं टी है, इसमें वेरिएबल टी दिखाई दे रहा है आपको कहीं? जी यस और नो? बेटे इतना दिमाग नहीं है मेरे में कि एक महीना एग्जाम का रह रहा और उस वक्त आप ये पूछ रहे हो सर 15 के साथ टी आएगा। अरे बेवकूफ, 15 के साथ टी आएगा या टी अलग से आता है? सर हम पूछ रहे हैं 15 के साथ, पूछ रहे हो क्या 15 के साथ है?
बेटा इतना दिमाग नहीं है मेरे अंदर। सवालों के जवाब दे सकता हूँ लेकिन बेवकूफ सवालों के जवाब नहीं दे सकता। आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर होती है वो होती है पहले टू आएगी फिर वन आएगी फिर जीरो आएगी। तो वन टू वाला हमें दिया हुआ और जीरो वाला भी हमें दिया हुआ, लेकिन हमें वन पावर वाला नहीं दिया। तो जब वन पावर वाला दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब जरूर वो जीरो है। तो जीरो क्यों हुआ होगा, वेरिएबल जीरो नहीं होता, वो जीरो तब हुआ होगा जब उसे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तब पूरी चीज जो है वो जीरो हो गई होगी। देखो ये आपके पास पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर आप पॉलिनोमियल वेरिएबल की बात करते हो तो पहले पावर आएगी टू फिर पावर आएगी वन, वन लिखते नहीं है इसलिए एक्स की पावर वन नहीं लिखा, फिर पावर आनी है जीरो। तो एक्स की पावर जीरो, किसी भी चीज की पावर जीरो वन हो जाता है तो उसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो कि सर यहाँ पावर टू है और यहाँ पावर जीरो पावर वन। तो पहली चीज तो ये है कि पावर किस तरह से चल रही है और वेरिएबल किस तरह से चल रही है। तो ए बी सी पावर टू पावर वन पावर जीरो, पावर वन एंड पावर जीरो। तो पहली चीज तो ये कि पावर कैसे चल रही है वेरिएबल कैसे। जो चीज नहीं होगी वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि वो जीरो से मल्टीप्लाई हुआ होगा। सम वेरिएबल को हम नहीं मानते, कॉन्स्टेंट्स को मानते हैं, ध्यान रखना। अगर किसी भी साथ उसके साथ लिखना चाहेंगे आप तो वेरिएबल तो लिख सकते हैं। अब दो क्वेश्चन आया आपके पास, पहला क्वेश्चन आया ये 4u स्क्वायर प्लस 8u। तब आपके पास क्या है, पावर 2 आ रही है और पावर 1 भी आ रही है, तो कौन नहीं आ रहा है, पावर 0 नहीं। पावर जीरो क्यों नहीं आ रहा है, कि जरूर ये जीरो से मल्टीप्लाई हुआ है। अब क्योंकि पावर जीरो वन होता है तो उसको लिखते ही नहीं है, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर लास्ट वाला हमारे पास यहाँ क्या है, जीरो। दूसरा हमारे पास क्या था, दूसरा हमारे पास था पी टी। पी टी क्या था, टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है पावर टू, ये तो पावर टू है, यहाँ टी दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ टी दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ टी जीरो है। तो टू वाला हमारे पास है, जीरो वाला हमारे पास है, तो बीच में कौन गायब है, वन वाला गायब। वन वाला क्यों गायब है, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हुआ हो। तो हमारे पास क्या होगा, टी स्क्वायर जीरो इंटू टी माइनस 15। तो ये चीज हो, तो हमें ये देखना है कि कहां पे आप वेरिएबल मिस कर रहे हो, कहां पे आप कांस्टेंट मिस कर रहे हो। तो इस लास्ट वाले में आप कांस्टेंट मिस कर रहे थे तो आपने उस कांस्टेंट को जीरो लिया। यहां पे आपके पास जो पावर बीच वाली टर्म मिस हो रही है, लेकिन वो भी उसी वजह से हो रही है क्योंकि कांस्टेंट जीरो होगा। तो इस तरह से आप कंसीडर करो। जी किसी को और कोई डाउट इस वाले, उसमें से फर्स्ट वाले सेक्शन में से?
हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर वन में से किसी को कोई डाउट? बड़ी प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम है सर जी, कि अगर इस लेवल पे आके, इस टाइम आके आपको ए बी सी का ध्यान नहीं हो रहा है, कहाँ जीरो लेना है कहाँ वन लेना है, फिर तो बहुत मुश्किल है भाई। जी कोई क्वेश्चन इसमें से? आवाज आ रही है मेरी? नो सर, क्लियर है सर। नहीं आ रही आवाज? आ रही है सर, आ रही है। देखो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने किया है तो अच्छी बात। ये यहाँ पर 6x² - 3 - 7x, आई थिंक थर्ड पार्ट है ये। यस सर, तो आपसे अगर ये कहे कि इसको सॉल्व करें तो प्लीज इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिएगा, तभी ये सॉल्व। जो अभी आपको समझाया था, पहले पावर 2 आएगा, फिर पावर 1 आएगा, फिर पावर 0 आएगा। तो 6x² - 7x - इस तरह से। अब इसको आप फैक्टराइज कीजिएगा, 6 3 = 18, और 18 को माइनस करेंगे तो 9 2 = 18, 7 आ जाएगा। तो 6x² - 9x + 2x - 3, यहां से कॉमन आएगा 3x, तो ये हो जाएगा 2x - 3, यहां से कॉमन आएगा 1, तो 2x - 3 and 3x + 1। ऐसे तो पहला क्वेश्चन तो आपके पास यही था, जिसमें आपको फैक्टराइज करके फिर प्रूफ करना था कि LHS इक्वल्स है। दूसरा हमारे पास है पॉलिनोमियल्स का फॉर्म करना, बस ये लिख लीजिए इस पे छोटे से क्वेश्चन, और इसी पे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो, अगर आपके पास जीरोस अल्फा बीटा होते हैं तो आपसे कहता है फॉर्म द पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा गामा तीन तक ले लेते हैं, प्लीज ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको सिर्फ एक जीरो दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल होता है x - α। अगर आपको दो जीरोस दिए हुए हैं अल्फा बीटा, तो उनका सम निकाल लीजिए, दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो निकाल लीजिए, और उनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो पॉलिनोमियल होता है px = (x²) - sum + product। अगर आपको तीन दिए हुए अल्फा बीटा गामा, तो तीनों का सम ले लीजिए, 2 का सम ले लीजिए और प्रोडक्ट ले लीजिए, तो फिर आपका पॉलिनोमियल होता है px = (x³) इंडिविजुअल का सम। क्यूब के बाद आएगा स्क्वायर, माइनस आया फिर आएगा प्लस, 2 का सम, पावर आएगी 1, फिर माइनस, तीनों का प्रोडक्ट। तो ये आपके पास होता है जैसा सीक्वेंस वो था हमारे पास। अगर क्यूबिक है तो पहले पावर 3 आएगा, फिर पावर 2 आएगा, फिर पावर 1 आएगा, फिर पावर 0 आएगा। पहले 1 का सम आना है, फिर 2 का सम आना है, फिर 3 का सम आना, पहले माइनस आना है, फिर प्लस आना है, फिर माइनस। 2 में देखेंगे ऐसी तरह से आएगा पावर 2, पावर 1, पावर 0, पहले 1 का सम आना है, फिर 2 का सम आना है, पहले माइनस आना है, फिर प्लस। तो इस पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही तरह के सारे क्वेश्चंस हैं। मान के चलिए एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो डायरेक्ट उसने कहा है कि सम दिया है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज 1/4 ये, और प्रोडक्ट दिया हुआ है अल्फा बीटा इज -1।
तो पॉलिनोमियल बनाओ, सीधा सा लिख दीजिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बी, तो वैल्यू रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई फोर एक्स माइनस, ये आंसर है, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए बस। तो ये हो जाएगा बच्चे एक्स स्क्वायर, फोर एलसीएम ले लीजिए माइनस एक्स माइनस फोर, जो नीचे आता है उसे स्किप कर देते हैं, तो फाइनली यही हमारा पॉलिनोमियल। तो आज इतने ही क्वेश्चंस कर लीजिए आप लोग, कोई इसमें से पूछना है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में जो थर्ड एक्सरसाइज के दो तीन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करें। जी सर। देखो एक चीज ध्यान रखना आप सब बच्चे, सारे चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, कभी आप ये सोचो कि ये चैप्टर इक्वली नहीं है। 15 चैप्टर हैं, तो अगर आप सबको 5-6 मार्क्स दे रहे हैं तब आपके पास आता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल। हाँ बस ये हो सकता है किसी में दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन हो, किसी में एक बड़ा क्वेश्चन, तो ये हो सकता है। तो और दूसरा, हर चैप्टर की लेंथ देखिए, कि एक चैप्टर में 6 एक्सरसाइज हैं तब 6 नंबर मिल रहे हैं, एक चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं तब 6 नंबर मिल रहे हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस समझिए। तो ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 ये वो वाले चैप्टर्स हैं, चैप्टर 5 चैप्टर 7 जिसमें टोटली क्वेश्चन देखेंगे तो 30-40 क्वेश्चन बैठते हैं। इसमें तो अगर आप देखेंगे चैप्टर 2 में तो ज्यादा 10 क्वेश्चन भी नहीं होंगे, 10 क्वेश्चन मैक्सिमम, और उसमें आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात। तो एक एक क्वेश्चन उन इस तरह के चैप्टर्स के हो जाने चाहिए, तो ये कोशिश कर लीजिए आप सब लोग, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि छोटे से चैप्टर में अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो फुल मार्क्स आ जाए चैप्टर वाइज। कल किस टाइम रखेंगे क्लास? इसी टाइम। सोते रहते हो आप लोग सारे, तो आज पहला रोजा था इसमें, इसलिए भी थोड़ा सा रहा होगा सुस्ती आप लोग, मुझे भी थोड़ी सुस्त लगा टाइम, तो देख लें आप लोग एडजस्ट हो जाएं तो इस टाइम, नहीं तो शाम। जी भाई बताएं ज्यादा बच्चे, जिस टाइम आप ज्यादा फिट हो आप इसी टाइम। सर यही टाइम से, यही टाइम सर, यही टाइम। यस सर यही टाइम, कल तक इंशाल्लाह। यस सर, चलो कल तक, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum sir. Assalamualaikum.